दोस्तों, मैं हूँ सायुन घोष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट एंड प्लांट केयर बाय सायुन घोष। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ मेरे इस सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग आपको दिखाएंगे कि आप लोग आफ्टर साइकिलिंग आपका जो फिश है, जो ओरिजिनल फिश जो आप एक्वेरियम में रखना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक्वेरियम सेट कर रहे हैं, उसे रखने से पहले कुछ ज़रूरी काम जो आपको कर लेने चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने 3 रेड बलून मौली छोड़ा था एक्वेरियम में। इसे छोड़े हुए करीबन 15 से 16 दिन हो चुका है। इसके बाद हम लोग ये मछली को एक्वेरियम से उठा लेंगे, एक मॉडरेट वाटर चेंज देंगे। मिनिमम वाटर चेंज हम देंगे इस एक्वेरियम का 30%। 30% वाटर चेंज देने के बाद, और आप देख रहे हैं ग्लास थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है, उतना अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि एक जो आयरन का जो लेयर होता है वाटर में, हमारे इधर में वाटर में बहुत आयरन है, इसलिए ये सेडिमेंट पड़ जाता है एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर। इसे हम लोग पहले क्लीन करेंगे, 30% वाटर चेंज करेंगे, और जो एक फिश हमने छोड़ा था टैंक को साइकिलिंग करने के लिए, उसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद 30% वाटर चेंज करने के बाद हम लोग फिर से 3 से 4 दिन जो नया वाटर हमने इसके अंदर दिया है उसे पुराना होने देंगे। उसके बाद जो फिश हम लोग इस एक्वेरियम में छोड़ेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे। ठीक है, वो हम छोड़ेंगे इस एक्वेरियम में, और आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि एक्वेरियम का पानी जितना पुराना होगा मछलियों के लिए उतना ही अच्छा है। आप कभी भी नए वाटर में मछलियाँ मत छोड़िएगा। ठीक है, और आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको ये एक्वेरियम दिखाऊंगा इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद, कि हम लोग ये एक्वेरियम को साफ़ करने के बाद कितना अच्छा लगता है एक्वेरियम। ठीक है, तो चलिए एक्वेरियम को साफ़ करने के बाद आपके साथ फिर से बात करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हमने एक्वेरियम को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। ग्लास में जितना भी जो आयरन के वजह से जो पैच मार्क आ गया था, वो सब कुछ पूरा जा चुका है। देख सकते हैं पूरा एक्वेरियम कितना क्रिस्टल क्लियर है वाटर, वो भी देख सकते हैं। इसलिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हर वक्त जब भी नया एक्वेरियम सेटअप करें, तभी एक्वेरियम का वाटर को, मैंने जो तरीका आपको दिखाया है, इस तरीके से आप लोग वाटर को फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वाटर को फिल्टर करने के बाद आप कोई भी मछली, जो मछली के लिए आपने एक्वेरियम सेट किया है, वो मछली आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल एक्वेरियम में बिल्डअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बैक्टीरिया एक्वेरियम में भरपूर मात्रा में नहीं होगा आपके फिल्टर पैड में, टॉप फिल्टर हो सकते हैं, सम फिल्टर हो सकते हैं, कोई भी फिल्टर हो सकते हैं, और कोई भी मीडिया हो सकता है, ये कुछ किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में, कोई भी मीडिया हो सकता है, उसमें आपका बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है एक स्टेबल एक्वेरियम के लिए, और आपका मछली का हेल्थ भी इससे अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं पूरा वाटर क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए हमेशा आप एक्वेरियम सेट करने के बाद आप लोग एक्वेरियम के शॉप में से डायरेक्टली बैक्टीरिया खरीद के भी छोड़ सकते हैं। मैंने जो प्रोसेस दिखाया है उससे भी आप कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस ही सही है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जो एक्वेरियम शॉप से आप यदि डायरेक्ट बैक्टीरिया खरीदेंगे तो आपका समय थोड़ा कम लगेगा, आपका बजट ज़्यादा होगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, यदि आपका बजट कम है तो आप मेरा बताया हुआ प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्वेरियम को साइकिलिंग करेंगे, तभी भी आप कोई भी महंगा मछली से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपके एक्वेरियम में कोई पानी का पैरामीटर अप डाउन है, तो महंगा मछली, ये मतलब कि गोल्ड फिश हो चुका, यदि और कोई मॉन्स्टर फिश, वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। आप नॉर्मल लाइव बेयरर मछली जो होता है, मौली, गप्पी, प्लैटी, ये सब से एक्वेरियम को थोड़ा साइकिल कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो मछली छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।